एक बार वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी को संबोधित करके कहा था कि 1000 साल बाद आने वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेगी कि हार मान से बना हुआ ऐसा इंसान भी धरती पर आया था कभी। महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता के रूप में हमारे इतिहास में सदा ही अमर रहेंगे, ये वो शख्स थे जो केवल न हमारे भारत देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह को मार्ग बनाकर हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। पर इतने बड़े शख्स का अंत हत्या से क्यों हुआ? 30 जनवरी 1948, इस तारीख को एक युग का अंत हो गया, या यूं कहें कि अंत किया गया तो गलत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज सूर्य टॉक के इस एपिसोड में महात्मा गांधी के जीवन का आखिरी वो दिन 30 जनवरी 1948 के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी ने अपना आखिरी दिन कैसे व्यतीत किया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तारीख 30 जनवरी 1948 के दिन की शुरुआत महात्मा गांधी के लिए दूसरे आम दिनों जैसा ही था। वो काला दिन शुक्रवार था। दोस्तों, गांधी जी रोज सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे। उस दिन भी बापू 3:30 बजे सुबह उठे, उसके बाद दिन क्रिया करने के बाद सुबह की प्रार्थना की, जो हर रोज करते थे। दोस्तों, अभी तक उनकी पोती आभा नहीं जागी थी, वो सो रही थी। कहा जाता है कि आभा के न उठने की नाराजगी गांधी जी ने मनु बेन से जताई थी। यह दिन दूसरे दिनों से थोड़ा अलग था। आज गांधी जी का मन कागजी कामकाज में भी नहीं लग रहा था। दोस्तों, उस समय हालात सामान्य नहीं थे। इसका वजह दिल्ली का बंटवारा था। गांधी जी भी इस मामले को लेकर परेशान थे। हर रोज गांधी जी से मिलने कई लोग आते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गांधी जी ने कई लोगों से मुलाकात की और बंटवारे को लेकर कहा कि अगर लोगों ने मेरी बात सुनी होती तो ये सब नहीं होता। मेरा कहा लोग सुनते ही नहीं। इससे पहले 20 जनवरी को प्रार्थना सभा में एक बम का धमाका हुआ था, लेकिन गांधी जी को नहीं लगा था, पर एक दीवार टूट गई थी। 30 जनवरी को शाम को 4 बजे गांधी जी ने सरदार पटेल से मुलाकात की। मुलाकात खत्म होने के बाद 5 बजे प्रार्थना सभा में शामिल होना था, लेकिन गांधी जी और पटेल के बीच बातचीत 5:10 तक चली, जिसकी वजह से प्रार्थना सभा 15 मिनट देरी से शुरू हुई थी। जब गांधी जी प्रार्थना सभा पर अपने आसन तक जा रहे थे, उसी वक्त जेब में रिवॉल्वर रखे नाथूराम गोडसे ने पहले बापू को नमस्कार किया और फिर फायरिंग कर दी। इसके बाद बापू की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही बुझ गया वो दीपक जिससे पूरा भारत वर्ष प्रकाशित होता था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने मरते समय हे राम कहा था, लेकिन दरअसल वो राम का नाम लेते हुए मरना चाहते थे, लेकिन उस समय कुछ भी बोलने की संभावना नहीं थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सूर्या टॉक से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।